हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सयान वांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो सयान है अपने रूम में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या सच में मैं लहसुन हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और गागा ने कहा था कि सिर में मेरे जो चोट लगी थी उसकी वजह से कुछ नहीं याद आ रहा, लेकिन ये जो मेरी फैमिली वाले हैं ये सच में मुझसे प्यार करते होंगे। वहीं का तो मुझे पता लग गया कि वो मुझसे प्यार करता है, फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन बाकी लोग मुझसे प्यार करते होंगे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझसे कोई मिलने नहीं आया। वहीं के अलावा कोई मेरे पास नहीं आता, बोलता है वो और ऐसा खुद से ही बात कर रहा था वो। तो वहाँ पर ना लैन ई जो है वो आते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं अंदर आ जाऊँ, बोलते हैं। तो हमारा जो सयान है वो बोलता है कि आ जाइए, बोलता है। तो हमारा जो सयान है वो कहता है कि आइए बैठिए, बोलता है। तो ई कहते हैं कि मैं ई हूँ, तुम्हें तो पता होगा मैं लानसान की मॉम हूँ, या फिर कहूँ कि तुम्हारी मॉम हूँ। तो हमारा सयान कहता है कि लेकिन मैं तो लानसान नहीं हूँ ना, मैं तो सयान हूँ, बोलता है। तो ली कहती हैं कि नहीं, तुम लहसुन हो, तुम्हें याद नहीं होगा शायद, तो मतलब तुम्हारे साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से कुछ हुआ होगा, इससे तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम लहसुन ही हो। और मुझे विंग के विश्वास पर विश्वास है, वो बोलती हैं थोड़ा मुस्कुरा कर। और वो ना मतलब वो सयान को देखने लगती हैं, उसके पास ही बैठी थी तो उसे देखने लगती हैं और कहती कि बेटा तुम सच में ठीक हो। तो हमारा सयान कहते कि हाँ मुझे क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो हमारी जो ई है, मतलब इतने दिनों से जो उनका दर्द था, गुस्सा था, प्यार था, जो भी था, वो स्टार्ट हो जाता है उतारना। मतलब वो बोलने लगती हैं कि तुम मुझसे एक बार नहीं कह सकते थे कि तुम विहिंग के बिना नहीं जी सकते हो, मैं कैसे भी करके तुम्हारे फादर को मना लेती और तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, ऐसा कौन करता है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ या क्या हूँ, तुम मुझे बता नहीं सकते थे। वो उनका गुस्सा स्टार्ट हो गया था, वो गुस्से में थी। तो हमारा सयान तो सॉफ्ट हो ही जा रहा था कि अभी इतनी प्यार से बात कर रही थी अभी गुस्सा। तो वो बोलता है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो हमारी जो ई है वो बोलती हैं कि गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, तुम मेरे बेटे हो ना, मुझे बता नहीं सकते थे कि विंग से इतना प्यार करते हो कि अपनी जान ले सकते हो, मैं कैसे भी करके विंग को तुम्हारे पास ले आती, इतना तो मेरे में हिम्मत थी, इतना तो मतलब मैं कर सकती थी, मैं एक क्लैन की रानी हूँ, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है, तुम नहीं बोल सकते थे। और क्या क्या तुमने जाना चला चले गए सुसाइड करने, उसके बाद 2 साल बाद आए हो और हमें पहचानने से इनकार कर रहे हो, मतलब पहचान भी नहीं रहे हो, हम तुम्हारे मॉम डैड भाई बहन है तुम्हारी, और तुम्हारा प्यार विहिंग है तुम्हारा। और विहिंग को कैसा लगा होगा पता है, हम सबको कैसा लगा है पता है, जब तुम हमें पहचान ही नहीं पा रहे हो, हमें कैसा लग रहा है पता है तुम्हें, मतलब तुम्हें हक से डांट भी नहीं सकती, अभी क्यों गुस्सा कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम लहसुन हो, क्योंकि विहिंग ने कहा है और विहिंग तुम्हें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, मैं एक बारी गलती कर भी दूँ लेकिन विहिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो सियान कहता है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो हमारा जो सियान है वो ना थोड़ा सॉफ्ट में था, थोड़ा उसको मतलब अजीब लग रहा था, उसको प्यार भी फीलिंग आ रही थी, गुस्सा का भी फील आ रहा था, सबका मतलब उसकी मॉम जो है गुस्सा कर रही है तो उनके गुस्से में भी प्यार उसको नज़र आ रहा था। तो वो कहता है कि आप शांत हो जाइए, और मतलब विंग ने मुझे बताया है कि अब सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि विंग तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मतलब लहसुन से प्यार ही नहीं करता, तो जो मुझसे प्यार नहीं करता उसके लाइफ से चले जाना ही बेटर होता है, उसके बिना तो रह नहीं सकते, आपको पता है, क्योंकि आप उससे इतना प्यार करते हो तो रह ही नहीं सकते हो, पता है, तो उसके लाइफ से दूर ही जाना अच्छा होता है। तो इसलिए शायद मैं उस टाइम चला गया, इसलिए मैं सबको छोड़कर चला गया, सब कुछ छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, शायद अभी भी करता होऊंगा, मुझे पता नहीं है, मुझे तो कुछ याद नहीं है।
लेकिन ये बात सुनकर ना ये कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम अपने मतलब भाई बहन के बारे में नहीं सोचे, अपने फादर के बारे में नहीं सोचे। तुम्हें पता है तुम्हारे जो फादर हैं वो ना कभी नहीं रोते। रूम में आकर मतलब इतना रोए थे, इतना रोए थे, मैं उनको संभाल नहीं पा रही थी। खुद को संभालो, उनको संभालो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो ना बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा, कि मैंने मेरे बेटे की जान ले ली, मैंने अपने बेटे की जान ले ली। किस लिए? इस समाज के डर से। मतलब मैंने ऐसा क्यों किया? वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने उनको कैसे संभाला है मुझे पता है। वो कितने मतलब तुम्हें खोकर कैसा उनको लगा था मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी वही फील किया था। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, वो तुम्हारे डैड हैं। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ आकर कुछ नहीं कहेंगे, सफाई नहीं देंगे कि तुम क्यों चले गए, तुम्हें डांटेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका। और तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारी सिस्टर, उनका मैं क्या बोलूँ, वो लोग मतलब रो रो कर, उनका हालत कैसा हो गया था पता है, उनको कैसा लगा था पता है। और ली को तो ऐसा लगा था कि मेरा भाई मेरी वजह से अपनी जान ले लिया, मतलब मैंने कुछ गलती कर दी, मेरी वजह से उसकी जान चली गई, उसको ऐसा लग रहा था। वो कितनी रोई, कितना वो सब किया। वो मतलब तुम्हारी तुम्हारे रूम में जाती थी, तुम्हारे काका के साथ, तुम जहाँ पर पहाड़ से गिरे थे, मतलब झरने से गिरे थे, वहाँ पर जाते थे वो दोनों, कि शायद हमारा भाई लौट आए। वो तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे, विहिंग ढूंढ रहा था, उनके साथ वो दोनों भी ढूंढ रहे थे। और वो लोग कैसे रह रहे थे पता है तुम्हें? रो रो कर उनका बुरा हाल था। कुछ टाइम तक तो खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ रह रहे थे। सारों मतलब सब लोगों का हाल ऐसा हो गया था। और ये तो कम है, ये तो थोड़ी सी चीज़ है। तुम्हारे विहिंग का हाल क्या था पता है तुम्हें? तुम्हारा जो विहिंग है वो ना मतलब उसकी शादी जब तुम्हारी बहन से पीछे हुई थी, उसके पहले से ही उसने खाना पीना बंद कर दिया था। उसके बाद वो रो रो कर बेहोश हो गया था, तुम चले गए हो कर कर रो रो कर बेहोश हो गया था वो। उसके बाद उसको जैसे ही होश आया तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढने चला क्या, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और तुम्हें ढूंढने चला गया। उसके बाद ना वो ढूंढ रहा था, बहुत जगह ढूंढा उसने, सब जगह ढूंढ रहा था। उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी, फिर भी ढूंढ रहा था, नॉन स्टॉप ढूंढ ले जा रहा था। उसके बाद मतलब वो अपनी क्लैन में गया, उसका सेहत ख़राब हो गया था, अपने भाई के साथ वो क्लैन में गया अपनी। और उसकी चीज़ें ने समझाया कि तेरा लहसा जिंदा है, तू कह रहा है कि जिंदा है तेरा लहसा, तो तू उसके क्लैन में जा कर रहे है, मतलब प्लान प्लान में जा, वहाँ पर रहे, उसका वेट कर, वो वहीं पर ही तो आएगा ना। क्लैन तो उसका लैंड क्लैन ही क्या है, हमसे तो कोई रिश्ता नहीं है ना, तो वो यहाँ थोड़े ही आएगा तुम्हारे पास, वो वहाँ ही। विहिंग के सीजे ने उसको समझाया। उसके बाद ना विहिंग क्लैन क्लैन आया और वो ना यहाँ पर रहने लगा। लेकिन इस बात से ना लैंड क्लैन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, मतलब वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे कि विहिंग यहाँ पर रहे, क्योंकि विहिंग का कुछ रिलेशन नहीं था लैंड क्लैन के साथ। इसी वजह से तो ऐसे ही ना विहिंग यहाँ पर रहता था और तुम्हारा ही वेट करता था, उसको कुछ काम ही नहीं था तुम्हारे अलावा, मतलब तुमसे प्यार करने के अलावा या फिर तुम्हें याद करने के अलावा। उसके बाद ना ऐसे ही 1 साल बीत गया और लैंड क्लैन में ना सब लोग तुम्हारी बरसी मनाना चाहते थे, मतलब तुम्हारे डेथ को 1 साल हो गया था। इस वजह से तो ना विंग ने सबको मना किया कि लैंसन जिंदा है और आप लोग ऐसे कैसे बरसी बना सकते हो, और ऐसा सब उसने कहा, बहुत कुछ कहा कि मैं जिंदा हूँ तो वो नहीं मर सकता, मुझे पता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं करने नहीं दूंगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसने कही। तो ना उसकी बातों को कोई मना नहीं कर पाया, तो तुम्हारी बरसी नहीं मनाई गई, क्योंकि विहिंग को यकीन था कि तुम जिंदा हो और विहिंग के यकीन पर हमको यकीन था।
उसके बाद ना जो लोग विहिंग को यहाँ पर रहने में मतलब पसंद नहीं करते थे, विहिंग यहाँ पर रहता था इसी वजह से, और उन लोगों ने ना मतलब विहिंग जो उसने मना किया था कि लैनसन की बरसी नहीं मनाई जाएगी, इसी वजह से भी वो लोग गुस्सा थे। तो वो लोग कह रहे थे कि लैनसन मर चुका है और विहिंग को देखो वो यहाँ पर आकर रह गया है और उसको कुछ काम धंधा नहीं है और मतलब सिर्फ लैनसन लैनसन कर रहा है और हमारे हमको मतलब हमारे प्रिंस का बर्थडे भी मना नहीं दिया, ऐसा सब बोल रहे थे वो लोग। तो ये बात ना विहिंग सुन लिया था और वो लोग कह रहे थे कि तुम मर गए हो, इसी वास्ते ना विहिंग बहुत गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन लोगों के साथ ना उसकी लड़ाई हो गई, मतलब विहिंग ने उन लोगों के साथ लड़ाई कर ली। लड़ाई की तो ये बात मतलब तुम्हारे फादर के पास गई क्योंकि वो राजा थे, तो हमारे विहिंग को कहा गया कि तुम लैंड क्लैन में नहीं रहोगे, मतलब तुम्हें यहाँ पर नहीं रह दिया जाएगा, मतलब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो विहिंग ने कहा कि आप लोग जो कहोगे वो मैं करूँगा, जो सजा दोगे मैं मान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर रहकर अपने लैंसन का वेट करना चाहता हूँ, आप लोग जो सजा दे दो, जितनी बड़ी पनिशमेंट देने हैं दे दो, और मैं इनसे माफ़ी भी नहीं मांगूँगा, आप सिर्फ सजा दे दो मुझे, मैं सजा एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा लैंसन मर चुका है और मैं ये बात नहीं सह सकता, इस वजह से झगड़ा क्या उनसे, और आप लोग जो सजा दोगे मुझे कबूल होगी, बोलता है वही। तो तुम्हारे फादर भी मतलब वो राजा थे तो उनको न्याय तो करना था ना, लड़ाई कर ली थी विहिंग ने तो उसकी गलती थी, तो उसको ना सजा दी गई। और उसको सजा क्या दी गई पता है? हमारे लैन क्लैन की सबसे बड़ी सजा, कोड़े मारने की सजा। और उसको ना मतलब कोड़े मारे गए, नॉन स्टॉप मारे गए, बहुत सारे कोड़े मारे गए। और विहिंग ना उस सज़ा के लिए हाँ बोल दिया था, वो उसे सब लोगों ने कहा कि अपने क्लैन लौट जाओ, तुम्हें ये सज़ा नहीं मिलेगी, तुम लौट जाओ, और ऐसा कहा कि लैंसर नहीं है, उससे सब लोगों ने कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि तुम नहीं हो इस दुनिया में। और उसने वो सज़ा ली, उससे ना कोड़े मारे के, बहुत सारे कोड़े मारे के, वो जब तक बेहोश ना हो गया ना तब तक कोड़े मारे गए उसे। फिर भी वो क्या बोल रहा था पता है? कि मेरा लैंसन जिंदा है और आप लोग जो करना है कर लो, मैं यहीं पर रहूँगा, उसका वेट करूँगा, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो ऐसा कहते कहते बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ हम कल सुनेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। और ये तो ई बता रही हैं हमारे सियान को, या फिर कहें कि लैंसन को। तो हमारा जो सियान है उसका हाल, या फिर हमारे लैंसन का हाल क्या होगा कि उसके विंग को कोड़े मारे के जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, ये सुनेगा तो उसका दिल इस तरह टूटेगा, कैसा होगा आगे स्टोरी में, क्या सब होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मैं आपकी कमेंट का